यार नई बाइक में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैंने गलती तो नहीं कर दी यार KTM लेके। चेंजी हो गई है बाइक के अंदर यार, ये क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नई प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे मैंने आपको के अकॉर्डिंग जो इन्होंने ट्राई वगैरह में चेक किया तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि यार इसका क्लच प्लेट खराब हो गया। तो यार अपनी बाइक में आ गई है प्रॉब्लम ये आ गई है कि यार मैंने आपको जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी बाइक में इशू इस तरह से हो रहा है कि जैसे मैं इसको हाई स्पीड पे चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 73 से जब ऊपर जा रही है ना मेरी बाइक, तो बाइक ऐसे सिर्फ रेस कर रही है, मतलब कि साउंड कर रही है रेस जैसी बट नहीं पकड़ रही है। तो आई डोंट नो यार कि ये क्या इशू हो गया। जस्ट मैं ऐसे आया भी था अभी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो बाहर निकला हूँ तो चेक भी करवा ही लेता हूँ। अभी क्या है सीन, अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर में। ये देखो ये बाइक आवाज़ कर रही है, ये देखो अब सही होगी, अब सही से चल रही है। अब जैसे मैंने इसको कम किया तो अभी जैसे मैं इसको दोबारा से अगर ये देखो बाइक पिकअप ही नहीं पकड़ रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया। मेरे को लग रहा है कोई मेजर इशू ना हो यार बाइक, मेजर इशू आ गया होगा तो यार क्या फ़ायदा, अभी नई बाइक है जस्ट इसको 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रही है यार। ये देखो ये सिर्फ साउंड कर रही है, मतलब कि पिकअप की तरह साउंड कर रही है बट पिकअप पकड़ नहीं रही है। ये देखो ये अब मैं इसको छोड़ूंगा फिर ये पिकअप पकड़ेगी। ये यार पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। अभी सीधा जा रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर के अंदर, देखता हूँ सर्विस सेंटर में जाके कि यार क्या चक्कर क्या हो गया, इसको क्या इशू क्या हो गया। ये तो लकली मैं इस रोड पे निकला था, मैंने कहा चलो कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यार KTM लेके। आवाज़ कर रही है और पिकअप पकड़ नहीं रही है, बस पिकअप वाली आवाज़ कर रही है। तो लेट्स सी, चलते हैं यार सीधा सर्विस सेंटर में अभी इसको लेके और देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। बाइक चेक करवानी है। तो गाइस अभी मैं सर्विस सेंटर के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे बाइक के लिए मैंने बोला है इनको चेक करने के लिए, बट अभी लंच टाइम चल रहा है, मुझे पता नहीं था, तो 3 बजे तक इनका लंच टाइम है, 3 बज गए हैं वैसे, अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है। क्योंकि मुझे ना एकदम से टेंशन सी हो गई है बाइक के अंदर यार, ये क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नई प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया कि पिकअप की तरह साउंड कर रही है बट पिकअप नहीं पकड़ रही है, तो पता नहीं अब क्या चीज़ क्या होती है। देखते हैं जो इंजीनियर इनके पास हैं वो चेक करवाता हूँ एक बार, उनको बोलते हैं ड्राइव वगैरह करके, ड्राइवर के चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जल्दी से जल्दी होप कि यार जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो जाए अपने। तो भाई यार अभी जा रहे हैं ट्राई मारने के लिए। तो भाई ये बोल रहा है कि क्लच प्लेट का काम हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि क्लच प्लेट का काम कैसे हो गया। तो भाई यार इसको चेक तो कर लिया इंजीनियर ने और इसके कहने के मुताबिक कह रहा है कि क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आ गई है, तो क्लच प्लेट में कैसे प्रॉब्लम आ गई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। वो भी वारंटी में है तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि यार वारंटी में, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं ये लोग। गाइस यार अभी इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ट्राई वगैरह में चेक किया तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि यार इसका क्लच प्लेट ख़राब हो गया, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि यार क्लच प्लेट कैसे ख़राब हो गया, ये चीज़ मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे हो गई यार। ना तो कुछ आफ्टर मार्केट है उसमें लगा हुआ ना कुछ, और मैं नॉर्मल यूज़ भी कर रहा हूँ बाइक चला भी रहा हूँ बट ये चीज़ समझ नहीं आई।
यार कोई नहीं, अभी इन्होंने ये चीज़ बोला कि यार ये तो वारंटी में कवर नहीं होगी, तो इसका कॉस्ट 1700 कुछ बोला है इन्होंने। देखते हैं कितना पे करने को मिलता है, कितना पे करेंगे। हमें फटका लग चुका है 1736 रुपए का, 1736 रुपीज़ का हमारा जो बिल वो कट चुका है। अब ये जो बिल किस बात का कटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यार इन्होंने क्लच प्लेट के लिए बोला था, और कंफर्म भी वही हुई, कंफर्मेशन भी इन्होंने वही दी कि जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट इसकी ख़त्म हो गई है, और जिसकी वजह से इनको क्लच प्लेट नहीं डालनी पड़ी, नई क्लच प्लेट डालनी। तो क्लच प्लेट ख़त्म हो गई, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं रिप्लेस कर दो, क्लच प्लेट भी इसकी रिप्लेस हो गई है, कोई बात नहीं। तो यार ये देख सकते हो आप, कि इतना फटका मुझे लग गया अभी तो। चलो ठीक है गाइस, अभी मैं निकलता हूँ घर को, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टाइम ऑलमोस्ट 5:10 हो गए हैं, सो निकलते हैं, इवनिंग का टाइम हो गया, निकलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।